हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस एनएमएमएस मैट प्रेपरेशन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर सीरीज प्रॉब्लम एंड पिछले लेक्चर दे विच असी कुछ सीरीज कंप्लीट कीतिया सी, एक सीक्वेंस फाइंड आउट करके। वी हैव आल्सो फाइंड आउट द रोंग नंबर सीक्वेंस और उहदे विच मैं तुहानू दो प्रॉब्लम्स दित्तियां सी। सो कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स के जिहड़े आंसर दिते हैं वह बिल्कुल सही हैं। सो इहदे विच आओ इन्हां दे आंसर बारे जानिए। सो फस्ट क्वेश्चन जिहड़ा है उहदे विच असी रोंग टर्म जिहड़ी फाइंड आउट करनी है। सो सीक्वेंस जिहड़ा सानू दिता होया है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ते 96। हुण इहदे विच जे तुसी ध्यान नाल देखो कि जिहड़ी टर्म है वह डबल हो रही है, जिवें 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का डबल जे आपां कर दिए 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। सो 64 का जिहड़ा डबल है वह 128 होना चाहिदा सी, जबकि जिहड़ा साडे कोल इत्थे सीरीज़ दे विच सीक्वेंस दिता होया है 96। सो इहदे विच जिहड़ी रोंग टर्म असीं फाइंड आउट करनी है, सो 96 जिहड़ा है इहदा करैक्ट आंसर है, दिस इज़ द रोंग सीक्वेंस। सो इस तरह दूसरा क्वेश्चन जिहड़ा है उहदे विच तुसीं देखो कि जिस तरह मैं तुहानूं कहा सी कि जे ते जिहड़े नंबर हन उह रिपीट हो रहे हन, फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा 5-5 है उह वी रिपीट हो रहा है, और इस तरह तुसी देखोगे कि 11 भी जिहड़ा है रिपीट हो रहा है। सो इदां दी जिहड़े प्रॉब्लम्स दे विच तुसी दो सीरीज़ जिहड़ियां साडियां अलग अलग बन रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जिवें 1 छड के आपां देखिए 1, 5, 7, 11, 12। हुण इहदे विच जे मैं दो सीरीज़ लिखा, फस्ट सीकुएंस जिहड़ा बन रहा है साडे कोल 1, 5, 7, 11 ते 12। सो दूसरा सीक्वेंस जिहड़ा है वह है 5, 9, 2, 11 फिर 4, 15, 2, 17। सो इहनूं वी इत्थे लिख लैंदे हाँ 5, 9, 11, 15 ते 17। हुण इहदे विच तुसीं देखो कि 1+4, 5 फिर +2 दी एडिशन हो रही है। सो एक बारी 4 दी एडिशन हो रही है, एक बारी 2 दी जिहड़ी एडिशन हो रही है। सो इसे तरह तुसीं 5 दे विच 4 ऐड कर दिए 9, 9 दे विच आपां 2 ऐड कर दिए 11, फिर आपां 4 ऐड कर दिए 15, 15 तों बाद फिर 2 ऐड कर दिए 17। सो इसे तरह ही पहले 4 दी ऐड 2 ऐड कीता 7 हो गया, 7, 4, 11। सो इहदे विच आपां 2 एडिशन जे करिए ते 11 तों बाद जिहड़ा है वह 13 आना चाहीदा सी, बल्कि जबकि इहदे विच सानूं 12 दित्ता होया है। सो इहदे विच जिहड़ा रोंग टर्म है साडे कोल, सो 12 इज़ दी जिहड़ा साडे कोल रोंग टर्म है। सो वी विल टिक इन दिस पार्ट। सो आओ इदां दे क्वेश्चन आपां होर डिस्कस करते हाँ। सो समटाइम्स दी क्वेश्चन जिहड़ा आ जांदा है, सो क्वेश्चन इज 2, 7, 12, 17, 22, 27। सो उहदे विच आपां अगला जिहड़ा सीकुएंस है वह फाइंड आउट करना है। सो उहदे विच ऑप्शनस जिहड़ियां सानूं दित्तियां होईयां हन 30, 31, 32 ते 4th ऑप्शन है 33। हुण जे तुसीं देखोगे इहदे विच आपां एक सीकुएंस फाइंड आउट करिए, 2+5, 7, 7+5, 12, 12+5, 17, 17+5, 22, 22+5, 27 ते 27 दे विच जे आपां 5 ऐड करिए ते अगला जिहड़ा साडे कोल टर्म है वह 32 आनी चाहीदी सी। सो 5-5 जिहड़ा है एडिशन हो रही है हर एक दे विच, ते अपने कोल अगली जिहड़ा है वह टर्म आ रही है। सो इस तरह 27 दे विच आपां 5 ऐड करांगे ते 32 जिहड़ा है साडा करैक्ट आंसर आएगा। सो नैक्सट क्वेश्चन इज 23, 35, 57, 711, 1013। अगला जिहड़ा है सीक्वेंस असी फाइंड आउट करना है। हुण इहदे विच सानू ऑप्शनस जिहड़ियां दित्तियां होईयां हन वह दित्तियां होईयां हन 1112, 1317,
1713 1511। हुण इहदे विच तुसीं देखोगे कि सीकुएंस जे आपां एडिशन करके देखिए 23 प्लस 12 35 बनते हैं, 35 दे विच जे आपां ऐड करिए 22, फिर सीकुएंस जिहड़ा है बहुत ज़्यादा वध जाता है 57 तो बाद यकदम जिहड़ा है 711। हुण इहदे विच तुसीं देखोगे कि सारे दे सारे नंबर जिहड़े हन उह प्राइम नंबर हन। फॉर एग्जाम्पल जे मैं देखा 2 भी प्राइम है, सो अगले कोल साढ़े कोल प्राइम नंबर किहड़े किहड़े हन 2, 3, फिर 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, उस तो बाद 13 प्राइम है, फिर 17 प्राइम है। ठीक है ना, हुण उन्होंने की किया कि 2 प्राइम नंबर इकट्ठे करके पहली जिहड़ी टर्म साढ़े कोल बन रही है 23 बन रही है, फिर अगले 2 प्राइम नंबर किहड़े हन 3 ते 5 नूं इकट्ठा करता उन्होंने 35 लिखता, फिर अगले 2 प्राइम जिहड़े हन 5 ते 7 नूं इकट्ठा करता 57 लिखता, उस तों अगले 2 प्राइम 7 ते 11 711 लिखता, फिर 1113 लिखता। सो अगले 2 प्राइम जिहड़े हन साढ़े कोल ओह किहड़े आणगे 1317। सो करैक्ट आंसर इज 1317। सो नैक्सट क्वेश्चन इज, सो इसे तरह का ही एक सीकुएंस सीरीज कंप्लीट करनी है अपना, 12 25 53 111 229। सो अगला जिहड़ा टर्म है वह की होएगी, ऑप्शन जिहड़ियां सानूं दित्तियां होईयां हन 346 467 470 287। हुण इहदे विच तुसीं देखोगे वह कर की रहे हन। सो 12 तो बाद 25 जिहड़ा है वह किस तरह आंदा है, 12 दूना 24 प्लस 1 25, सो 2 नाल मल्टीप्लाई किया है तो फिर एक एडिशन की है। सो इस तरह ही 25 जे आप 53 देखिए 25 दून 50 प्लस 3 53। ठीक है, सो 53 तो बाद 2 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एडिशन जी है पहले च 3 की हुई 1 की हुई फिर 3 की हुई हूँ ये करके देख ले हाँ 53 2 दे नाल आपां जे मल्टीप्लाई करिए 5 ऐड करिए साढ़े कोल की बनता है 53 गुणा 2 106 106 प्लस 5 111 बन गया। सो इस तरह ही 111 तो 2 दे नाल मल्टीप्लाई किया साढ़े कोल 222 आ गया प्लस 7 आपां ऐड कर लिए तो 229 आ गया। हुण 229 तो बाद असी की करांगे 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 11 ऐड करांगे। सो 229 नूं 2 नाल जदों आपां मल्टीप्लाई करते हाँ 9 दूनी 18 2 दूनी 4 1 5 ते 2 दूनी 4 458 विच आपां 11 ऐड करने हन ते साढ़े कोल जिहड़ा है 8 1 9 5 1 6 469 जिहड़ा है वह साढ़े कोल नहीं 7 तो बाद असी जिहड़ा है इत्थे 9 आना चाहीदा सी, जस्ट ए मिनट। सो 9 आपां ऐड करने हन इहदे विच, सो साढ़े कोल जिहड़ा है अगला सीकुएंस की आएगा 467 467 जिहड़ा है वह साढ़े कोल इहदा आंसर आएगा। सो नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा है इदां दा ही होर डिस्कस करते हाँ। सो इहदे विच सानूं सीकुएंस दिता गया है एक मैट्रिक्स की फॉर्म के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं 7 4 5 3 1 6 3 7 3 8 1 7 6 1 8 ते ये जड़ा क्वेश्चन मार्क है वो आपां फाइंड आउट करना है। सो इहदे विच सानू ऑप्शनस दित्तियां होईयां हन 2 3 4 ते 5। हुण तुसीं देखोगे कि जे मैं रो वाइज देखा किदां एडिशन हो रही है 7 प्लस 4 11 11 प्लस 5 16 16 प्लस 3 साढ़े कोल इत्थे टोटल 19 आ रहा है। इस तरह ही जे मैं दूसरी रो की गल करा सारिआं नूं जे मैं ऐड करदा 6 प्लस 1 7 प्लस 3 10 7 17, सो तीसरे केस दे विच 8 प्लस 3 11 ते 1 12 प्लस 7 19। ठीक है, सो सीकुएंस इधरों भी चैक कर लैंदे आ। सो जे मैं सारिआं नूं 7 प्लस 1 8 ते 3 11
ਅਤੇ 6 ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਧਰ 17 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਧਰ ਜੇ 6 4 10 ਪਲੱਸ 8 18 ਪਲੱਸ 1 19 ਸੋ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 19 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਪਲੱਸ 3 8 ਅਤੇ 1 9 ਅਤੇ 8 17 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਹੈ ਕੰਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 19 ਅਤੇ 17 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 19 ਜੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 17 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਹੈ ਇੱਧਰ 17 19 17 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 19 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ 17 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰੀਏ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 7 ਅਤੇ 3 10 10 ਪਲੱਸ 7 17 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਐਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ 19 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 6 ਅਤੇ 1 7 8 7 15 ਪਲੱਸ 2 17 ਸੋ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ 2 ਡਿਜਿਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ 1 ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 6 50 402 3218 ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 25,646 25,746 24,646 24,746 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 6 ਤੋਂ 50 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 6 ਤੋਂ 50 ਹੋਇਆ 50 ਤੋਂ 402 402 ਤੋਂ 3250 ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ 6 ਤੋਂ 50 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ 8648 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ 50 ਤੋਂ 402 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ 50 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂ 8 5 40 ਪਲੱਸ 2 ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ 2 ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 402 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 402 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 8 ਦੂਣੀ 16 8 ਚੌਕਾ 32 2 ਐਡ ਕੀਤੇ 3218 ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋ 3218 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 8 8 64 8 1 8 8 6 14 3 8 2 16 ਅਤੇ 1 17 8 3 24 ਅਤੇ 1 25 2 ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ 25,746 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਫਾਰ ਦਿਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1 2 9 4 25 6 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋਇਆ 2 ਤੋਂ 9 ਹੋਇਆ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖਾਂ 1 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ 2 2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸੋ 1 ਜਿਹੜਾ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ 2 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ 25 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਸੋ 1 1 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਸੋ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ 49 ਸੋ 49 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ
सो इहदे तों इलावा साढ़े कोल कई बार जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आ जांदियां हन ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੋ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਏ ਜ਼ੈਡ ਜੀ ਟੀ ਐਮ ਐਨ डैश ते वाई बी हुण जदों भी तुसी अल्फाबैट सीरीज़ दे नाल रिलेटड प्रॉब्लम करनियां हन तुसी पहले एक ए बी सी डी नूं जिहड़ा है वो एक पूरा जैड तक लिख लेना है ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू V, X, Y एंड Z इनू नंबरिंग कर लेनी है एक दो तीन चार पाँच छे सत्त अठ नौ दस सानू पता है कि जड़े साढ़े A तो लैके Z तक हैं साढ़े कोल 26 अल्फाबैट हैं सो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मैं एक मिस कर गया एस पी क्यू आर एस टी यू वी इतने डबल्यू वी आएगा सो डबल्यू इज 23 24 25 ते 26 हुण तुसी देखो कि इहदे विच जिहड़ा सीकुएंस की बन रहा है ए जी एम सो एक ट्रेंड जिहड़ा बन रहा है ए नूं जे आपां एक लिखिए उस तों अगला जिहड़ा जी है वह सत्त है जी तो अगला एम जिहड़ा है वह 13 है हुण इहदे विच छे छे की एडिशन हो रही है देखो प्लस छे कीता फिर जिहड़ा है प्लस छे कीता 13 आ गया सो ए तो लैके जी तक इत्थे प्लस छे की एडिशन हो रही है जी तो एम दे विच प्लस छे की हो रही है सो एम तो अगला जिहड़ा साडे कोल फस्ट डिजिट आएगा उसका सो 13 दे विच जे आपां छे ऐड करिए तो साडे कोल ऑप्शन जिहड़ियां मैं इत्थे पहले लिख दिंदा हाँ सो तां जो जिहड़ा आंसर तुहानूं लभण दे विच ऑप्शनज हन के एफ आर एक्स थर्ड इज एस एच एंड फोर्थ इज टी एस सो 13 तो बाद 6 जे आपां ऐड करिए तो साडे कोल फस्ट जिहड़ी टर्म आउंदी है इत्थे एस वाली आउंदी है इस तरह तुसीं जैड तो टी की गल करो जैड तो जिहड़ा जैड है साडे कोल 26 है 26 तो बाद टी जिहड़ा है वह साडे कोल 20 है सो 26 चों 6 घटाइए तो 20 आ रहा है इस तरह टी तो बाद अगला जिहड़ा नंबर है एम है वी टी 20 है एम की है एन आ रहा है एन 14 है सो 20 दे विचों 6 घटाइए तो 14 सो एक सीकुएंस जिहड़ा है उहदे च प्लस 6 की एडिशन हो रही है एक दे विच माइनस 6 जिहड़ा है हो रहा है सो एन तो बाद जिहड़ा अगला नंबर आएगा वह आप माइनस 6 करके देख लेना है सो 14 चों विचों आप माइनस 6 करांगे तो साढ़े कोल 8 आएगा सो 8 जिहड़ा है वह एच है सो एस एच जिहड़ा है साडा इस प्लेस दे उत्ते जिहड़ा उन्होंने पूछा होया है कि इनू फिल करो सो एस एच जिहड़ा है दैट इज़ दी करैक्ट आंसर सो इस तरह ही तुहानू मैं हुण दो क्वेश्चन जिहड़े हन वह असाइनमेंट दे फॉर्म दे विच देने हन सो तुसी उन्हां नू सॉल्व करन दी कोशिश करनी है आपां उन्हां नू अपने अगले लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे सो एक सीरीज़ सानू दित्ती हुई है के एम 5 अगला है आई पी 8 जी एस 11 ई वी 14 अगला आपां जिहड़ा है वह नंबर लभना है ऑप्शन जिहड़ियां सानू दित्तियां होईयां हन वो हन बी एक्स 17 बी वाई 17 सी वाई 18 ते चौथी है सी वाई 17 सो एक क्वेश्चन तुसी होर सॉल्व करना है सो वो सीकुएंस जिहड़ा है सो वो की है ए बी
बी डी सी एफ डी एच ई ते अगले जड़े दो तुसी नंबर हन उन्हां नूं लभना है कि केड़े होणगे। सो ऑप्शन सानूं दित्तियां होईयां हन ई ते एफ एफ ते जी एफ ते आई चौथा है जे ते एफ। सो इस तरह का ही एक जिहड़ा तुसी क्वेश्चन होर लिख लो। सो थोड़ा जिहा जिन्नी ज़्यादा तुसी प्रैक्टिस करोगे सो उन्ना जिहड़ा है तुहानू कंसैप्ट की जिहड़ी अंडरसटैंडिंग होएगी। दूसरा जिहड़ा नंबर है वह आपां लभना है, तीसरा है ओ डी पी, फिर है एम बी क्यू आई ए डबल्यू। सो ऑप्शन जिहड़ियां सानू दित्तियां होईयां हन आर एच जे एस एच जे एस आई जे ते चौथी है टी एच के। सो प्यारे बच्चे तुसी ए जिहड़े तीन असाइनमेंट जिहड़ियां मैं तुहानू अल्फाबैट सीरीज़ दियां दित्तियां हन सो तुसी इन्हां नू हल करके अपने जिहड़े आंसर हन उन्हां नू कमेंट बॉक्स दे विच लिखना है। तो इन्हां नू आपां अगले लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे ते होर इदां दे जिहड़े अल्फाबैट सीरीज़ दे प्रॉब्लम वो भी डिस्कस करांगे। सो मिलते हैं अगले लैक्चर्स, टिल दैन गुड बाय।